सबसे पहले हम अपने एडोब फोटोशॉप को ओपन कर देते हैं, फाइल पे जाके ओपन, और यहाँ पर हम जिस इमेज पर काम करना चाहते हैं वो उठाएंगे। तो हम आज फ्रेम पर काम कर रहे हैं, फ्रेम का मॉकअप बना रहे हैं, तो हम लोग फ्रेम को उठा के ओपन कर देते हैं। तो हमारे पास फ्रेम आ चुका है, इसको पहले जूम इन कर देते हैं, और यहाँ पर आके हम लोगों ने पिन टू ले लेना है। आप पी प्रेस करने पर भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आप लोगों ने आके इस कोने पे जितना मुमकिन हो सके आप लोगों ने सही तरह से यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है, और इस कोने पे आके भी हम लोगों ने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर तीसरा क्लिक हम ले लेते हैं, और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पर मालूम नहीं हो रहा तो हम लोग कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, बाद में हम इसको एडजस्ट कर देंगे, और यहाँ पर भी हम लोग क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास एक सिलेक्शन, एक शेप बन करके आ चुका है, शेप नंबर वन। शेप नंबर वन को हम लोगों ने एडिट करके इसका रीनेम कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेप फोटो, यानी फोटो का जो शेप है वो बन चुका है यहाँ पर। अब हम इसको जूम आउट करते हैं, फिट ऑन स्क्रीन। यहाँ पर अब हम लोग चेक करते हैं, पिन टूल पर क्लिक करने के बाद देखते हैं कि हमारी सिलेक्शन सही हुआ है या नहीं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो यहाँ पर हम लोग पिन पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक और हेड इंश्योर पॉइंट टूल लेके यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमें नीचे ले आना चाहिए। इस पर क्लिक करने के बाद इसको हम लोगों ने ये जगह बिल्कुल सही है, मुझे सही नजर आ रहा है, बाकी को भी चेक कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा हम लोग राइट की तरफ ले आते हैं और ऊपर जाके देखते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको हम लोग क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर सही है, नीचे से थोड़ा सा इसको उठा के यहाँ पर, और आखिरी को देखते हैं कि ये कैसा हुआ है। तो बस नीचे आके थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, और ये एरो की मदद से मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी एरो की मदद से कर सकते हैं। ये भी हो गया, हमारा पहला जो शेप है वो बन चुका है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, वापस बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम फिर पिन टूल ले लेते हैं और फ्रेम को ले लेते हैं, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम इन, पिन को लेके इस कोने पर क्लिक कर देते हैं, और इस कोने पर फ्रेम के जो चारों कोने हैं उस पर क्लिक कर देते हैं, और इसकी ओपेसिटी को हम लोग कम कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर फ्रेम की भी सिलेक्शन कर ली है, यहाँ पर हमारा दूसरा शेप बन चुका है, शेप नंबर वन। अब हम इस शेप को भी रीनेम कर देते हैं, इसको हम दे देते हैं फ्रेम। पहला शेप फोटो का, दूसरा शेप फ्रेम का। अब हम इस शेप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जूम करके। यहाँ पर फिर वही हेड इंश्योर पॉइंट टूल लेके थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि हमें नजर आ सके। हम लोगों ने फ्रेम को ले लिया है,
और अब दूसरे को भी चेक कर देते हैं। ऊपर नीचे बिल्कुल ये बहुत आगे क्यों कर गया है, इसको थोड़ा सा हम राइट की तरफ ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर, इसको भी चेक कर देते हैं, ये भी बहुत आगे को निकल चुका है। आप लोग एरो की मदद से ये कर सकते हैं, मैं एरो की मदद से कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको भी चेक करते हैं, ऊपर ले आते हैं, नीचे वापस कर देते हैं, बिल्कुल ये फ्रेम यहाँ तक बिल्कुल सही है। आपने बहुत एहतियात के साथ इसको करना है, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर लेंगे तो आप जो मॉकअप है वो सही नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर ये बिल्कुल हो चुका है, दूसरा फ्लिप भी बन चुका है। अब हम लोगों ने वापस जो हमारे इमेज के बैकग्राउंड पर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं और फोटो पर ले आते हैं। सबसे पहले फोटो वाला शेप पर हम लोगों ने अपने, अब इस रेक्टेंगल को हम नाम दे देते हैं फोटो, और इस फोटो को हम लोगों ने, इस लेयर को हम लोगों ने कंट्रोल टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब दूसरा काम हम लोगों ने करना है, फिर हम लोगों ने बैकग्राउंड पे आना है और यहाँ पर फिर हम लोगों ने रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पर फ्रेम पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर भी इसको हम लोग फ्रेम का नाम दे देते हैं फ्रेम, और इसको भी हम लोगों ने कंट्रोल टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। दोनों स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम लोगों ने करना है क्या है, हम लोगों ने जो फोटो वाली शेप है इस पर हम लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट और क्लिक कर देना है, हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या करना है, फोटो वाले पे आके हम लोगों ने इसकी जो लेयर मास्क है वो ले लेना है। तो हम लोगों ने इसका लेयर मास्क ले लिया है, और इसी तरह हम लोगों ने फिर शेप फ्रेम पर आके कंट्रोल शिफ्ट और क्लिक कर देना है, तो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। फिर हम लोगों ने फ्रेम पे आके यहाँ पर फिर इसकी लेयर मास्क ले लेनी है, तो दोनों हो गए। अब हम लोगों ने इन दोनों शेप को कंट्रोल के साथ दोनों को ग्रुप में कर देना है, ताकि हमें जो लेयर है वो सही दिखाई दे। और यहाँ पर हम लोगों ने अब इस शेप को हम लोगों ने लेयर मास्क पर आके जो फ्रेम वाला है उस पर क्लिक करने के बाद हमारी शेप, सॉरी फोटो लेयर पे आके मास्क पे आके इस पर क्लिक करने के बाद, पहले हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, ये वाला लेके हम लोगों ने फ्रेम वाले पे आके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस कर देना है। तो यहाँ पर मास्क पे आके कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस, तो हमारा ये जो फोटो का एरिया है वो खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस पर फोटो वाले पर जाके हम लोगों ने इस पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी फोटो सेलेक्ट कर देना है। तो फोन पे जाके मेरे पास डेस्कटॉप पर एक इमेज पड़ा हुआ है, उसको उठा लेता हूँ और कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ शिफ्ट के साथ, थोड़ा सा और, इतना काफ़ी है। ये हो गया, फाइल पे जाके इसको सेव कर देते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को अपने लेयर पर। तो ये आ चुका है,
अब यहाँ पर आप लोगों ने फ्रेम पे जाके फ्रेम का जो कलर है इसको चेंज कर देना है, तो मैं यहाँ पर येलो रख देता हूँ। तो, ओके सॉरी, यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं और यहाँ पर हम सॉलिड कलर लेते हैं और येलो, इसको बंद कर देते हैं। और इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा तस्वीर भी आ चुका है, फ्रेम पर भी कलर आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, शेप को ओपन करने के बाद, सॉरी शेप को वापस क्लोज कर देंगे, इन दोनों लेयर मास्क को हम लोगों ने क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैंने इसको ले लेना है, सिर्फ ये जो फोटो फ्रेम वाला है इसको ले लेता है। तो हम लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट पर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड पे आके इसको कंट्रोल जे कर लेते हैं, इसको उठा के मैं ऊपर ले आना है। अब इसको मैंने यहाँ पर नॉर्मल से उठा के हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर इसके ऊपर कलर आ जाता है। अब मैंने फोटो को भी ले लेना है, तो कंट्रोल शिफ्ट इस पर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड पे आके कंट्रोल जे कर देता हूँ, इसकी कॉपी ले लेता हूँ और ऊपर जाके यहाँ पर इसको ले आता हूँ। तो यहाँ पर इसको भी मैं मल्टीप्लाई पर ले आऊँगा और थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट कर लूँगा, कंट्रोल एल। एक चीज़ यहाँ पर है, यह है मैंने इस फोटो पर लाके इसको बंद कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे दोनों चीज़ आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर इसको जो फोटो वाला है उस पर हम कंट्रोल ये कर देना है और यहाँ पर इस पर मैंने थोड़ा सा लाइट लगाना है, तो इस पर स्क्रीन कंट्रोल एल। इसको हटा देते हैं और डिलीट। तकरीबन हमारा फ्रेम बन चुका है। तो आप लोग इसी तरह कर सकते हैं। अगर आप लोग फिर चेंज करना चाहे तो यहाँ पर मैं इसको रेड पर कन्वर्ट कर देता हूँ, इसकी थंबनेल को, और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने फ्रेम को चेंज करना है तो इस पर क्लिक कर देना है, और अगर आप लोगों ने फोटो को चेंज करना है तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने के बाद, तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।